तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 को। उम्मीद है कि इससे पहले की सारी एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। इस एक्सरसाइज में दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे डेरिवेटिव के। एक तो ये ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई की पावर एक्स होता है, और दूसरा ये लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/x। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको एक वीडियो में समझाया जाएगा। करीब आधे घंटे की वो वीडियो होगी, जल्दी ही उसको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये है कि हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है उसमें ये दो फार्मूले डेरिवेटिव के इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो पुराने फार्मूले हैं जैसे कि चेन रूल, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल और पता नहीं क्या क्या जो हमने पढ़ रखा है वो सब इस्तेमाल होगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, ध्यान से समझिएगा, पूरे फोकस के साथ देखिए। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो हम इसको किसके इक्वल मान लेंगे, वाई के इक्वल। या तो वाई के इक्वल मान लेते हैं या फिर हम एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, वही पुरानी लाइन। अब बढ़ते हैं आगे, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर लगेगा कोशेंट रूल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका कर देंगे स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा जाता है और जो न्यूमिनेटर होता है उसका कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, फिर लगता है माइनस, फिर न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन। 12वीं में ये काम डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये तो पहला सवाल है इसलिए मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ इतनी डिटेल में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोशेंट रूल का इस्तेमाल किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा इधर की साइड, पूरे फोकस के साथ, कहीं भी ध्यान इधर उधर मत लगाइए। अब यहाँ पे तो डी वाई अपॉन डी एक्स चल ही रहा है लेफ्ट साइड में, राइट में देखिए क्या क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स भी ऐसे ही रहेगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। वैसे तुम ये पहली बार नहीं देख रहे, 11th में भी था ये, फिर ई की पावर एक्स आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कर सकते हैं कि ऊपर से e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन x, और यहाँ पर बचेगा कॉस x, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर x। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा आसान सवाल था, पहला ख़त्म हो चुका है और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 जिसमें हम इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। अगर मैं उस वीडियो को रिलीज़ करना भूल जाऊं तो कोई भी आप में से मुझे कमेंट्स में लिख के याद दिला दीजिएगा। आप में से कई बच्चे मुझे याद भी दिलाते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह है हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो पहले तो वही लाइन की डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तुम मत ऐसे छोड़ देना डैश डैश लगा के, पूरा लिखना। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ई की पावर एक्स, इसको कैसे रीड करना है, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन जिसे हम एक्स कह रहे थे वो एक्स नहीं था, तो उसका भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। जिसे हम एक्स मान रहे थे वो एक्स नहीं था, तो उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। e की पावर साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x2। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बस ये पूरा जो है ना 1 में इंटू होके ऊपर आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 − x2। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर है। लेकिन आप जब बुक में पीछे आंसर देखें ना, तो वहाँ पे ये भी लिखा मिलेगा कि x
बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है आखिर? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पर माइनस वन से बड़ी और प्लस वन से छोटी ले सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वन से बड़ी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, मान लो कि वन से बड़ी वैल्यू आपने टू डाल दी यहाँ पे, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर। और फोर में से वन जाके क्या बचेगा? थ्री। फोर में से वन जाके माइनस का थ्री बचेगा, और अंडर रूट में माइनस थ्री बचने का मतलब है एक इमेजनरी नंबर, ये पूरा रियल होने के बजाय क्या हो जाएगा? इमेजनरी हो जाएगा। इसीलिए एक्स की ये वाली वैल्यूज ही इसके अंदर रखी जा सकती हैं, बस ये इसका मतलब है। और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है लिखना, आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए घर, अब इस आसान सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, वैसे तो आप इसे खुद भी कर सकते थे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिख लेना अपने आप, बहुत हो गया। ई की पावर एक्स, इस पूरे को मैं, भले ही ये एक्स क्यूब है लेकिन इस पूरे को मैं क्या रीड कर रहा हूँ? e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसे हम x कह रहे हैं वो x नहीं था, वो था एक्स क्यूब, तो उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। e की पावर x की पावर 3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। उसके बाद 3 जो है बाहर आ जाएगा यहाँ पर, साथ में एक्स स्क्वायर भी आएगा और साथ में ये भी आएगा, ई की पावर एक्स की पावर 3। तो बड़ा आसान सवाल था, एग्ज़ाम में पहली बार तो आएगा नहीं, आया तो आधे ही नंबर का आएगा, वैसे आधे नंबर होते नहीं हैं। चलो खैर, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लेकिन जिसको एक्स माना था वो था एक्स क्यूब, तो उसका भी करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। बस फिर इसको आगे लिख दिया और कहानी ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखिएगा बड़े ध्यान से, सबसे पहले तो इसे रीड कैसे करोगे? y इज इक्वल टू साइन, इस पूरे को मानोगे x, तो y इज इक्वल टू साइन x हो गया, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, y का क्या होगा? dy वाई ओवर डी एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? cos x, ये पूरा x मान रखा है। फिर जिसको हम x मानते हैं उसका भी करना पड़ता है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। बहुत ध्यान से देखते रहना, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ तब तुम शायद ध्यान से देखोगे। इसके बाद cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस x तो रहेगा ऐसे ही। अब इसे देखो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे टेन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे? टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव पिछली एक्सरसाइज से याद करो क्या था? टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब x तो इसे मान रखा है x का स्क्वायर, अब जिसको x माना उसका फिर करना पड़ेगा d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, d ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है? 1/1 + x², पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इसको रीड किया था टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1/1 + x². अब जिसको हम एक्स मान रहे हैं उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जब तक एक्स मानते रहोगे तब तक डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसी को चेन रूल कहा जाता है, क्योंकि चेन जो है ना लगातार चलती रहती है। कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ? कॉस एक्स, फिर जिसको x माना था उसका कर दिया, फिर यहाँ पे इसे x मान लिया तो इसका करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो लाइक करना ना भूला करें, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो कमेंट्स लिखा करें, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, तो ज़रूर किया करें आप लोग ऐसा काम। और अगर बुरा समझ में आता है तो वो भी करा करें डिसलाइक, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स तो रहेगा ऐसे ही 1/1 + ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। ई की पावर एक्स, भले ही वो माइनस एक्स है लेकिन मैं उसको एक्स मानकर ट्रीट कर रहा हूँ, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन जिसे आप एक्स कह रहे थे वो तो माइनस एक्स था, तो उसका भी करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 1। अब ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर माइनस एक्स भी इसके साथ ही लिख दो, और नीचे
वन प्लस ई की पावर माइनस का 2s, और साथ में कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स। तो इस सवाल में क्या है ना कि बार 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 एक्स मानते रहे, पहले इसे एक्स माना फिर उसका कर दिया, फिर इसे एक्स माना उसका भी कर दिया, फिर माइनस एक्स को एक्स माना तो माइनस एक्स का क्या हुआ, माइनस वन। तो ये चीज़ इस सवाल में ज़्यादा थी कि बार बार जिसे एक्स मान रहे थे उसका डिफरेंशिएशन हम लगातार कर रहे थे। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर इसका ठीक है, बस यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके आगे इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर उठा के यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये अच्छा सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखो, वैसे तुम्हें ना पहले खुद करके देखना चाहिए, खुद ना हो तो वीडियो में देखना चाहिए, अब देख रहे हो तो देख लो, कोई बात नहीं। तो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। तो वही घिसी पिटी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। अब एक्स तो इसे कह रहे हैं ना, अब जिसको एक्स कह रहे हैं उसका भी करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स। एक बार फिर से समझिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, फिर जिसको हम एक्स कह रहे थे उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लिख के, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। 11 से पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद वन अपॉन कॉस ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे देखो कैसे रीड करेंगे, इसे हम रीड करेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। लेकिन अभी ये एक्स थोड़ा ही ना है, इसका भी करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब ये जो माइनस वाला है पूरा इधर आ जाएगा, साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। अब इसके बाद सोचो कि इसमें क्या हो सकता है, जल्दी से 10 सेकंड में। हाँ सही सोच रहे हो, यहाँ पे जो है ना टेन का फार्मूला बन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, टेन ई की पावर एक्स, और इनटू में ई की पावर एक्स चल ही रहा है, थोड़ा दूर को लिखना, फिर इसको आगे लिख देना ऐसे करके, माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, जिसको एक्स माना था उसका कर दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, जिसको एक्स माना था उसका फिर कर दिया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन बन गया, ये ऐसे ही रहा। ठीक है, तो सवाल तो समझ में आ ही जाते होंगे, और बेहतर समझने के लिए अगर मान लो कुछ हो भी जाती है दिक्कत तो बार बार वीडियो को देखो, रिपीट कर करके देखो, चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी, नहीं तो मुझे लिखा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो सवाल है ना ये इनकम्प्लीट सा है, बीच में से कुछ छूटा हुआ है, तो उसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। तो इसे कंप्लीट आराम से किया जा सकता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो आप खुद ही समझ लो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ना, मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये जो एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब नहीं है, ये एक्स की पावर 5 है। ठीक है, नज़रों का धोखा हो गया था, चलो आप करते हैं। तो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये है ही उसके बाद, तो एक्स की पावर 5। तो सवाल तो कर दिया कंप्लीट, अब हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो शुरू करते हैं, वही घिसी पिटी पुरानी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर से ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लेकिन जिसे एक्स कह रहे हैं वो एक्स थोड़ा ही ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लेकिन जिसे एक्स कह रहे हैं वो एक्स थोड़ा ही ना है, वो है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर ई एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, अब तो समझ ही गए होंगे, फिर ई एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4।
ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि क्या मुझे यहाँ पे डी ओवर डी एक्स भी लिख के दिखाना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। 12वीं क्लास में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है टाइम कैसे बचाया जाए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी डी ओवर डी एक्स हर जगह लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ कि 12वीं में सबसे ज़रूरी होता है टाइम बचाना, तो टाइम आपका स्मार्ट तरीक़ों से बच सकता है। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवाल उतनी ही तेज़ी से होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, टू एक्स को आगे लिख दो, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही मैं सबको जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये मैंने फटाफट सारा लिख दिया है, तो ये भी एक आसान सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं सातवां सवाल। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा सवाल को, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सवाल में सबसे ज़्यादा जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा ये कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। आप बहुत पहले से जानते होंगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, लेकिन बहुत सौ को पता नहीं होगा कि ये कैसे आता है, तो उनको मैं समझा देता हूँ। डी ओवर डी एक्स, ये जो रूट एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1, यही तो होता है, इतना तो पता ही होगा। 1/2 एक्स की पावर, -1 में से हाफ गया तो क्या बचा, माइनस का हाफ बचा। इसके बाद नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ले गए नीचे, ठीक है, नेगेटिव पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। इसके बाद 1/2 एक्स की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/2√x होता है। अब ज़रूर याद रखिएगा इसको, अब आगे बार बार आपको नहीं दिखाया जाएगा, ये देख लिया एक बार। और जिन्होंने स्किप कर दिया होगा इस वीडियो का ये वाला हिस्सा, वो इसको देख नहीं पाएगा। खैर, शुरू करते हैं। तो ये हमारा सवाल है, और ये ज़रूरी है इसलिए कि क्योंकि अगर एक्स 0 से छोटा हो गया, उसका इक्वल हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसका कोई काम नहीं है सवाल को करने में। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले तो वही लाइन कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो dy/dx। अब ध्यान से देखो इसे रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे √x, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x, 1/2√x। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, लेकिन जिसे हम एक्स कह रहे थे उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ई की पावर रूट एक्स, इसे ही तो एक्स कह रहे थे ना पूरे को, तो इसका करना पड़ेगा। अब 1/2 e की पावर √x तो रहेगा ऐसे ही, इसे हम रीड करेंगे ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन जिसे हम एक्स कह रहे थे वो था क्या असल में, वो असल में था रूट एक्स, तो इसका फिर करना पड़ेगा। तो 1/2 e की पावर √x, ठीक है, और ये साथ में ई की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। इस सवाल में इतना रूट एक्स बोला जाता है, कम से कम 50 बार तो बोला जाता है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। एक बार फिर से समझते हैं और फिर आंसर मिलाएंगे इसका। तो y=√x, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर जिसको एक्स कह रहे थे उसका कर दिया। अब इसे हमने ऐसे रीड किया ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, लेकिन फिर जिसे एक्स कह रहे वो असल में एक्स नहीं था, फिर उसका करना पड़ा, ये आ गया। ठीक है, अब इसका मैं आंसर मिला देता हूँ ज़रा। तो इसका आंसर मिलाने के लिए ये जो ई की पावर रूट एक्स है, इन दोनों 1 से तो कुछ होना नहीं है, तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ ई की पावर रूट एक्स, नीचे 2 2 जा 4। अब देखो इस पे भी रूट लगा हुआ है, उस पे भी रूट लगा हुआ है, तो दोनों को एक ही छत के नीचे ले लो, मतलब एक ही रूट के नीचे ले लो। तो एक ही रूट के नीचे ले आओ, ये रहा एक्स और ये रहा ई की पावर रूट एक्स, और साथ में वो ज़रूर लिख देना, क्योंकि उससे क्या है कि इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, मतलब चीज़ें जो हैं वो इमेजनरी हो जाएंगी अगर इसको नहीं लिखेंगे तो। नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कट जाएंगे, लेकिन ठीक है, तो हमने आंसर इसका मिला दिया। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, और इसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है रूट एक्स का, अब याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8।
तुम में से कुछ तो ऐसे होंगे जो हर सवाल को देख रहे होंगे लगातार, कोई भी सवाल छोड़ नहीं रहे होंगे। चलो देख लो, कोई बात नहीं, सीखना तो है ही। तो ये जो सवाल है इसमें हम ऐसे रीड करेंगे इसको, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, अभी इसको पूरे को एक्स मानेंगे तो डी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड लिखेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स। फिर जिसे एक्स कह रहे थे उसका करना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। भाई इसे हम एक्स कह रहे थे ना, तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो वन अपॉन लॉग एक्स तो रहेगा ऐसे ही। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। बस हो गई कहानी खत्म, इसे बस सबसे आगे लिख लो, तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। और वो लिख देना साथ में कि एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। इस तरह से आठवां सवाल आसान था काफ़ी, पूरा हो चुका है। एक बार फिर से लेते हैं, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, फिर जिसको एक्स कह रहे थे उसका कर दिया, लॉग एक्स का फिर क्या हो गया वन अपॉन एक्स, फिर इसको आगे लगा दिया, बस कहानी खत्म। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा ज़रा, जो लगातार देखे ही जा रहे हैं हर सवाल को, वो इसे भी ध्यान से देख लें। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, इस सवाल में क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाता है, लॉग एक्स का हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे, न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस, फिर न्यूमिरेटर ऐसे, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। कोशेंट रूल लगाने के बाद बढ़ते हैं आगे, लॉग एक्स का रहेगा होल स्क्वायर, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको सही से अरेंज कर देते हैं, डिफरेंशिएशन तो हो गया ख़त्म। तो इसको सही से अरेंज करने के लिए ये जो एक्स आप देख रहे हैं इसको एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर की साइड, तो मैं इसे एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स ले लिया एलसीएम। अब ये जो एक्स है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, एक्स लॉग एक्स और साथ में क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस लगा देता हूँ आगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स तो एलसीएम में चला गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस एक्स, वो भी माइनस, लाइन ज़्यादा ही लंबी खींच दी थी, चलो कोई बात। नीचे लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब वो जो एक्स ऊपर एलसीएम लिया था वो आ जाएगा यहाँ पे आगे, वो इस तरह से आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इनका ऊपर वालों को निकाल लो माइनस कॉमन ताकि अच्छा लगे देखने में, फायदा तो कुछ होगा नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और साथ में वो लिख देना जो सवाल की शुरुआत में था कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये यहाँ पे लिख देना एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ना भी लिखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है नोवा वो भी पूरा हो चुका है, हमने इसमें कोशेंट रूल का इस्तेमाल किया, आप इस सवाल को खुद भी कर सकते थे। 10वां और आखिरी सवाल और देख लो, जब इतने देख लिए हैं तो उसे भी देख लो। ये है एक्सरसाइज का 10वां और आखिरी सवाल, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसे क्या पढ़ोगे, इसे ऐसे मत पढ़ना कॉस लॉग एक्स प्लस ई की वाई, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद जिसे एक्स माना था उसका कर दिया डी ओवर डी एक्स, किसे एक्स माना था इतने बड़े को एक्स माना था लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर भी आ गया, अब इसमें कुछ करने को ज़्यादा है नहीं, आंसर में बस इसको आगे लिख रखा है इसको पीछे लिख रखा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और एंड में ये लिख देना कि एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। इस तरह से हमारा जो 10वां सवाल था, 10वां और आखिरी सवाल एक्सरसाइज का, वो भी हो चुका है कंप्लीट, एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है।
इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इस एक्सरसाइज का कोई भी सवाल इतना दमदार नहीं है कि 2 से ज़्यादा का आ सके, लेकिन 2 नंबर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने शुरू से एंड तक इसको देखा। अगर सब समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं धीमा पढ़ाता हूँ, या आवाज़ नहीं आती, ऐसा कुछ भी हो तो ज़रूर लिखा करें कमेंट्स में। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।